हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईपीएल 2023 के दूसरे दिन होगा डबल हेडेड, यानी कि पहला मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। वहीं पर जो दूसरा मुकाबला होगा, यानी कि जो शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा, वो खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। जी हाँ, ये जो मुकाबला होगा ये होगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए, उसी की बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में। और उसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर लखनऊ के इस इकाना स्टेडियम में दोनों ही टीम्स को जो पिच है वो कैसी मिलने वाली है, कैसा है दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल से। जी हां, ये होगा आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला। अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, और इकाना स्टेडियम में जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें इस पिच की, तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। जी हाँ, अगर हम पिछले 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले देखें तो वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 5 बार जीती है, और जिस टीम ने चेस करने की कोशिश की है वो मैच यहां पर 1 बार जीती है। तो ऐसे में जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस होगा तो टॉस जीतने वाला कप्तान यहां पर पिछले इन रिकॉर्ड को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। चलिए, ये तो बात हुई यहां पर पिच की, अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आईपीएल में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है। तो अगर बात करें दोनों ही टीम्स की, तो दोनों ही टीम्स ने यहां पर अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, और दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम किए हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स का अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खाता खुलना बाकी है। तो हमने यहां पर बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड की, हमने बात कर ली यहां पर पिच रिपोर्ट की। अब बता देते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, और यहां पर एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट कीपर्स आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए। पहले होने चाहिए क्विंटन डिकॉक, क्योंकि उनका जो पिछला साल था, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने जो आईपीएल 2022 में प्रदर्शन किया था वो काबिले तारीफ था। वहां पर डिकॉक ने कुल 15 मुकाबले खेलते हुए 508 रन बनाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट रहा था 148.97 का। डिकॉक के बाद यहां पर जो अगले विकेट कीपर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की, यानी कि बैटर्स की। तो बैटर्स के लिए आप अपनी पहली पिक रखिएगा दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर के बाद नाम आता है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन का। निकोलस पूरन के बाद यहां पर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के ही दीपक हुडा को अपनी फैंटेसी 11 में शामिल करना मत भूलिएगा। अब बैटर्स के बाद यहां पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहला नाम आता है वो आता है दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श की अगर हम बात करें तो उनका हालिया फॉर्म कमाल का है। जी हां, मार्श के करंट फॉर्म को देखते हुए उन्होंने जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेली थी भारत के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 3 मुकाबले खेलते हुए 194 रन बनाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट रहा था 131.08 का। मार्च के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्कस स्टोइनिस। स्टोइनिस के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बॉलर्स की, यानी कि गेंदबाजों की, और गेंदबाजों के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिक नॉर्किया। नॉर्किया के बाद जो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के ही कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो पिछला साल उनके लिए ड्रीम ईयर की तरह गुजरा था अगर हम आईपीएल के लिहाज से देखें, क्योंकि आईपीएल 2022 यानी कि पिछले साल आईपीएल में उन्होंने 14 मुकाबले खेलते हुए 21 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनका इकोनॉमी रहा था 8.44 का। यहां पर आखिरी खिलाड़ी होंगे आपकी फैंटेसी 11 में लखनऊ सुपर जायंट्स के आवेश खान। चलिए, तो बात हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब यहां पर दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए, और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टॉस से पहले यानी कि प्लेइंग 11 के अनाउंसमेंट से पहले ही अपनी फैंटेसी 11 पिक कर लेते हैं, और दरअसल प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपकी फैंटेसी 11 में खिलाड़ी होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए हम यहां पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दे रहे हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। तो कैप्टन की बात करें तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श कमाल के ऑलराउंडर है और उनका जो हालिया फॉर्म है, यानी कि जिस तरह से उन्होंने 3 मैच की ओडीआई सीरीज में भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उससे यहां पर मिचेल मार्श को आपका कैप्टन बनाना अपनी फैंटेसी 11 में तो बनता है। वहीं पर अगर हम बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन यहां पर आपके होने चाहिए केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल का जो बल्ला है वो भले ही भारतीय टीम के लिए शांत रहा हो, लेकिन यहां पर केएल राहुल हमेशा से आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और पिछले साल भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था अपनी टीम की कप्तानी करते हुए, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए। तो इसलिए आप अपनी इस फैंटेसी 11 में केएल राहुल को वाइस कैप्टन की पिक करना मत भूलेगा। तो ये है आईपीएल के तीसरे मुकाबले यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाले मैच से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि इस फैंटेसी 11 में आपका कौन कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।